हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्नेह गुरुजी चैनल। और आज मैं आपके लिए कृति सेनन एंड वरुण धवन स्टारर एक हॉरर कॉमेडी फिल्म भेड़िया का बिहाइंड द सीन्स वीडियो लेकर के आया हूँ। इस मूवी को 25 नवंबर 2022 को रिलीज किया गया था और इसकी अब तक की IMDb रेटिंग है 7.6 आउट ऑफ 10, जो कि काफी सही है। साथ ही इस फिल्म का बजट था अबाउट 60 करोड़ का, लेकिन इसका अब तक का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन मात्र 87.57 करोड़ का हुआ है। इस फिल्म में जिस कार से भास्कर, जनार्दन और जोमिन को गुवाहाटी से अरुणाचल प्रदेश की ओर आते हुए दिखाया गया है, वो यही कार है आल्टो 800, जिसके ऊपर ये इतना बड़ा सेटअप लगाया गया था और इसी के ऊपर कैमरे लगा करके इनके कार के अंदर बात करने वाले सीन्स को शूट किया गया है, जो कि बाकी सब ठीक है सॉन्ग में देखने को मिलते हैं। खैर, अगले दिन जब ये तीनों एक मीटिंग अटेंड करके वापस आ रहे होते हैं, तब इनकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है और यह वहीं का BTS सीन है। और यहीं पर भास्कर को एक भेड़िया काटता है, तब भास्कर को डॉक्टर अनिका के पास लाया जाता है। इस फिल्म में भास्कर का किरदार किया है वरुण धवन जी ने, साथ ही डॉक्टर अनिका, जो कि एक जानवरों की डॉक्टर है, उनका किरदार किया है कृति सेनन जी ने। इस फिल्म में वरुण धवन की जो दाढ़ी इतनी बड़ी बड़ी दिखाई देती है, बिल्कुल ओरिजिनल है। इवन इनके कानों के बाल और छाती के बाल वो भी ओरिजिनल हैं, क्योंकि इस फिल्म के डायरेक्टर अमर कौशिक जी ने इनको कान के बाल, छाती के बाल और दाढ़ी के बाल हटाने से बिल्कुल मना किया था। कोविड के समय में इन्होंने थोड़ी बहुत दाढ़ी रखी, मैंने कहा किसी को बढ़ाते। इवन इस फिल्म के लिए डायरेक्टर अमर कौशिक सर ने तो वरुण धवन को बॉडी बनाने से भी मना किया था। ये मुझे एप्स दिखे हैं ना, मैं मिटा दूंगा पोस्ट। जब भास्कर यानी कि वरुण धवन दोबारा से डॉक्टर अनिका यानी कि कृति सेनन के पास जाते हैं अपने ट्रीटमेंट के लिए, तब अनिका भास्कर की हार्ट बीट देखकर बहुत ज्यादा सरप्राइज हो जाती हैं। तो यह वहीं का शूटिंग सीक्वेंस है। रेबीज हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। अरे मुझे नहीं पता है। इसके बाद ही इस फिल्म में जंगल में कांड हो गया नमक एक वीडियो सॉन्ग देखने को मिलता है, जो कि इस फिल्म का पार्टी सॉन्ग है और यह इसी वीडियो सॉन्ग के शूटिंग के टाइम की कुछ वीडियो क्लिप्स हैं। इस सॉन्ग के लिरिक्स लिखे हैं अमिताभ भट्टाचार्य जी ने और इस सॉन्ग को गाया है विशाल ददलानी, सुखविंदर सिंह, सिद्धार्थ बसरूर और सचिन जिगर जी ने। और साथ ही इस वीडियो सॉन्ग की कोरियोग्राफी करी है पीयूष भगत जी ने। इस वीडियो सॉन्ग के बाद अगले दिन भास्कर यानी कि वरुण धवन जब प्रकाश को खाकर अनिका के क्लिनिक में आते हैं, तब डॉक्टर अनिका भास्कर को एक इंजेक्शन लगाने की कोशिश करती हैं। तो यह वहीं का BTS सीन है। भास्कर यानी कि वरुण धवन को पहली बार भेड़िया बनते हुए दिखाया जाता है, तो यह उसी सीन के शूटिंग सीक्वेंसेस हैं। इस सीन के लिए वरुण धवन ने रियल में बहुत ही ज्यादा मेहनत करी है और ये चीजें आपको जब फिल्म देख रहे होंगे तब पता भी चलेगा। हालांकि यहाँ पर वो सिर्फ भेड़िया बनने की एक्टिंग कर रहे हैं, बाकी फिल्म में जो भेड़िया बनते हुए दिखाया गया है सब CGI और VFX की मदद से दिखाया गया है। वैसे भेड़िया बनने की एक्टिंग वरुण धवन को किस तरह से परफॉर्म करनी है, ये चीजें इनको पहले से ही समझाई गई थी। भेड़िया बनने की नेक्स्ट मॉर्निंग में इनको एक जंगल में उड़ता हुआ दिखाया गया है, जहां पर इनके मुंह पर काफी सारा खून लगा रहता है और एक बड़ा सा सांप इनकी नेकर में से निकल करके जाता है। तो उस जंगल में उठने वाले सीन्स को कुछ इस तरह से शूट किया गया था, जो कि एक रियल जंगल में शूट किया गया है और ये जंगल है अरुणाचल प्रदेश के जीरो वैली के आसपास का। वैसे इस फिल्म की मैक्सिमम शूटिंग अरुणाचल प्रदेश में ही हुई है। इवन इस फिल्म में 70% आर्टिस्ट भी अरुणाचल प्रदेश के ही हैं। खैर, जब ये जंगल से बाहर निकल करके आते हैं, तब इनको सड़क पर डॉक्टर अनिका मिल जाती हैं और अपनी स्कूटी पर बिठा करके इनको अपने साथ ले जाती हैं। जब डॉक्टर अनिका भास्कर को लेकर के आती हैं, तब जनार्दन, जोमिन, भास्कर इन सब में बहस होने लग जाती है। तो यह वहीं के शूटिंग सीन्स हैं और यहाँ पर जो निशान वरुण धवन के लेफ्ट चेस्ट पर बने हुए दिखाई दे रहे हैं, असल में उनको जंगल वाली शूटिंग के टाइम पर आर्टिफिशियली क्रिएट किया गया था और इनको कैरी किया गया है इस सीन तक, ताकि ये सीन रियलिस्टिक लगे। इस फिल्म की अरुणाचल प्रदेश में शूटिंग वाला शेड्यूल 19 अप्रैल 2021 को फिनिश हुआ था और जब इस फिल्म की शूटिंग हो रही थी वहाँ पर, तब काफी ठंडी हो रही थी। यही वजह है कि इस फिल्म में काफी सारे सीन्स स्वेटर और जैकेट्स वाले देखने को मिलते हैं।
इसके बाद में भास्कर को खुद को भेड़िया में बदलने पर कंट्रोल करते हुए दिखाया गया है और फाइनली ये सभी मिलकर के ये डिसाइड करते हैं कि अब भास्कर एक बार फिर से उस भेड़िया से कटवाएगा, जिससे हो सकता है कि वो नॉर्मल हो जाए। और तब हमको भास्कर यानी कि वरुण धवन और अनिका यानी कि कृति सेनन के बीच की रोमांटिक बॉन्डिंग के साथ में अपना बना ले नामक एक वीडियो सॉन्ग देखने को मिलता है। इस सॉन्ग के जो विजुअल्स फिल्म में देखने को मिलते हैं, वहां पर अनिका भास्कर को जंगल घुमा रही होती है। वहीं इसका जो ऑफिशियल वीडियो है जो कि यूट्यूब पर अवेलेबल है, उसमें कुछ और भी रोमांटिक सीन्स दिखाए गए हैं। तो यह उन्हीं सीन्स की शूटिंग क्लिप्स हैं और 4 मिनट 21 सेकंड लंबे इस सॉन्ग के लिरिक्स भी अमिताभ भट्टाचार्य जी ने ही लिखे हैं, लेकिन इस सॉन्ग को गाया है अरिजीत सिंह और सचिन जिगर जी ने। यह वही शूटिंग सीन है जब भास्कर को भेड़िया से कटवाने के लिए भागकर जाते हुए दिखाया गया है। इस सीन को नाइट में काफी सारी लाइट्स को एक जंगल में लगा करके शूट किया गया है। यह उसी समय के कुछ स्टिल्स हैं। इस फिल्म की लास्ट में ठुमके सोरी नामक एक वीडियो सॉन्ग देखने को मिलता है, तो यह उसी सॉन्ग के शूटिंग की टाइम की कुछ क्लिप्स हैं। ठुमके सोरी नामक इस वीडियो सॉन्ग की कोरियोग्राफी करी है फेमस इंडियन कोरियोग्राफर गणेश आचार्य जी ने। इस सॉन्ग के लिरिक्स भी अमिताभ भट्टाचार्य जी ने ही लिखे हैं, लेकिन इस सॉन्ग को गाया है रश्मित कौर, एस किंग, दिव्या कुमार और सचिन जिगर जी ने। और इस सीन को शूट तो इस फिल्म के लिए ही किया गया था, लेकिन ये सीन फिल्म में देखने को नहीं मिलता है। इसे अरुणाचल प्रदेश के पारे हट ढावा कम लाज में शूट किया गया था। वैसे यहाँ पर इस फिल्म के कई सीन शूट किए गए हैं। फेवरेट स्टेप स्विमिंग पूल में था जब कृति डूब रही थी 3 फीट के पानी। वैसे इस फिल्म का जो लास्ट सॉन्ग है ठुमके सोरी, उसमें स्त्री यानी कि श्रद्धा कपूर को भी वरुण धवन के साथ में डांस करते हुए दिखाया गया है। साथ ही फिल्म के पोस्ट क्रेडिट सीन में राजकुमार राव और अपार शक्ति खुराना देखने को मिलते हैं। तो शायद से अमर कौशिक सर की आने वाली फिल्म में स्त्री के साथ में भेड़िया का कुछ कनेक्शन देखने को मिले। इस फिल्म का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भले ही थोड़ा सा कम रहा है, लेकिन फिल्म बढ़िया है और देखने वाली भी है। वैसे इस फिल्म के ट्रेलर को दुबई के बुर्ज खलीफा पर भी दिखाया गया था। आई होप भेड़िया मूवी का यह बिहाइंड द सीन्स वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक जरूर से कर देना, और अगर कुछ भी बताना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में बताओ। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ऑल कर लो। हम मिलेंगे आपको ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।